हेलो स्टूडेंट, आइसल वंदना बोल। आज मैं आपको पार्ट 3 में टेंसेस के पार्ट 3 में जैसे कि दो पार्ट आप पहले देख चुके होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस, आज पार्ट 3 में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताऊंगा। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हिंदी में हमें कोई भी सेंटेंस सुने तो उसको देख के कैसे पता चलेगा हमें कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप देखिए कि सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुकी है या चुके हैं, इनमें से अगर कुछ भी आए तो इट मींस वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इनमें से अगर कोई एक वर्ड आए तो इट मींस सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। ये तो बात है हिंदी। अब हम मान लीजिए इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनता है तो हम कैसे पहचानेंगे उसका टेंस? तो उसके लिए अगर सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव में से कोई एक चीज आ रही हो और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो तो इट मींस सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। देन जब सेंटेंस को पहचान लेंगे, सेंटेंस के टाइप को, उसके काइंड को, देन उसके बाद हम उसकी रूट बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, लिखते रहिए साथ साथ। सब्जेक्ट के लिए इस तरह से लिखा है, सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एस लिख दीजिए काफी है, प्लस has है, प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। मींस सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर has या have में से कुछ एक लगाइए, सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर has और प्लूरल होने पर have लगाइए, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों केसेस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए सेंटेंस हमारे पास राम खाना खा चुका है, तो सेंटेंस में देखा हमारा राम has eaten the food, बहुत सिंपल। अब इसके बाद हम आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव में सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस हिंदी में नेगेटिव में है, नकारात्मक में आ रहा है? तो वाक्य के बीच में यदि नहीं आए इट मींस सेंटेंस नेगेटिव है। और इंग्लिश में कैसे पता चलेगा? इंग्लिश में सेंटेंस में यदि has have के बाद not आए इट मींस सेंटेंस आपका नेगेटिव का। देन जब हमें इतनी पहचान हो जाएगी कि सेंटेंस हमारे नेगेटिव में है तो फिर हमारे क्या रूल अप्लाई करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देन सेंटेंस बनाएंगे हम, फिर वही सेंटेंस ले रहे हैं, राम ने खाना नहीं खाया है। और यहां हम क्या करेंगे? राम has not eaten the food। सामने देखें एक बार, देखिए नेगेटिव में हमारी आइडेंटिटी है हिंदी में पहचान है नहीं, और इंग्लिश में has not या have not। देन रूप सबसे पहले एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर has या have में से कुछ एक, देन not, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इट मींस आपका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला तैयार है। सेंटेंस बनाना है राम हैज नॉट ईटन द फूड। अब आगे हम इसके फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव पर। किसे कहते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव? हिंदी में जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आए उसे इन फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कहते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश में जब हम इंग्लिश बनाएंगे, इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे इनको, तो सबसे पहले हैज या हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा रूल इसका क्या हुआ? हैज हैव, इनमें से कुछ एक, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन आंसर लगाएगा क्योंकि इंटरव्यू है। अब सेंटेंस हमारा फिर वही है, क्या राम ने खाना खा लिया है? तो क्या करेंगे हम? राम क्योंकि सिंगुलर है तो हैज लाएंगे शुरू में, हैज राम ईटन द फूड, लास्ट में क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। इसी तरह से आगे हम इसके बाद सेकंड टाइप इंटरव्यू करते हैं। सेकंड टाइप इंटरव्यू उसको बोलते हैं जब वाक्य के बीच में हिंदी में कहां, कब, क्यों, कैसे, किस
किसने किसको कितने, इनमें से कोई एक शब्द है। और इंग्लिश में वेयर व्हेन व्हाई हाउ इत्यादि शब्द आपको सेंटेंस के शुरू में मिले तो इट मींस वो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका क्या फॉर्मूला है, क्या इसका रूल है? तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करते समय इंग्लिश में हम लिखेंगे वो क्वेश्चन वर्ड, चाहे वो वाई है वे कोई भी एक जो हमें चाहिए वो हम लिखेंगे। उसके बाद हम लाएंगे हैज और हैव में से कुछ एक, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ भी लगाना है। अब मान लीजिए ये सेंटेंस है कि राम ने खाना क्यों खाया है, तो हम पहले क्यों इंग्लिश लाएंगे वाई, हैज राम ईटन द फूड। इस तरह से आपके सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हुए। तो इन शॉर्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। अब बहुत शॉर्ट में मैं आपको फिर बताऊंगी। सबसे पहले परफेक्ट का नाम आते ही, प्रेजेंट परफेक्ट आते ही अपने माइंड में लाइए कि आपको हैज हैव में से कोई एक चीज और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए। नहीं, अब मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर आपको हैज हैव के तुरंत बाद नॉट लगाना है। और अगर आपका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कौन सा, जिसमें हिंदी में क्या आता है, ऐसा सेंटेंस है तो शुरू में आप हैज हैव में से कोई एक वर्ब लाइए, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। अगर सेकंड टाइप सेंटेंस है तो आप पहले क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, वो वर्ड लाएंगे प्रश्न वाला मेन जो है, उसके बाद फिर हैज है सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे प्रेजेंट परफेक्ट खत्म हुआ। अगर इसमें आप किसी तरह का कुछ पूछना चाहें, कुछ कमेंट करना चाहें, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं। और इसको देखने के बाद प्लीज इसे शेयर करना, कमेंट करना और आई बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स, अब वेट कीजिएगा टेंसेस का फोर्थ पार्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें हम सीखेंगे।